जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्लॉग लाइट 90 पर। और आज मैं आपको एक बहुत ही खास चीज़ दिखाने वाला हूँ, एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जो कि आज तक दुनिया में कभी देखा ही नहीं गया है। मतलब आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या चीज़ हो सकती है। तो दोस्तों एक ऐसा पेड़ है जहाँ पर पानी गिरता रहता है हमेशा, और वो भी बिना बारिश के। तो वो कैसा है और क्यों गिरता है, ये सब चीज़ें हम जानेंगे वहाँ पर जाने के बाद। और ये चीज़ मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, हमारे इसी क्षेत्र में रहने वाले हमारे भाई बता रहे हैं, परवेश भाई। तो परवेश भाई, वो पेड़ आपने देखा है क्या? सर वो सच में इतना मैजिक है, इतना मैजिक। मैं कल जा रहा था अपने घर से, मतलब गुसाईगंज, जो कि आप जानते हैं शायद, हमारे बगल का मार्केट सर, उसे मैंने देखा तो हमें खुद नहीं बिलीव हो रहा था कि ऐसा कैसे। मतलब आप ही बताइए, बिन मौसम बरसात उस पेड़ से इतना पानी निकल रहा था, मैंने देखा, और मतलब पूरी रास्ता भी गीला था। तो मैंने उसका वीडियो भी बनाया, तो मतलब मैं सोचा था कि ऐसा इसमें क्या है, पूरा सड़क मतलब गीला था, तो मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की। लेकिन क्या है ना कि वहाँ पे सूर्य की प्रकाश आने की वजह से वहाँ पे पूरा मतलब छाया था, इसलिए हमें पानी और छाया का वीडियो एक साथ में मतलब क्लियर नहीं दिख रहा था। मैं सोचा क्यों ना मैं ये बात आपसे बताऊं, उसके बाद हम दोनों लोग वहां पे जाते वो हैं। वो पानी आपको क्या लग रहा था? वो पानी बारिश का पानी था, नॉर्मल पानी था, या फिर कुछ वो अलग टाइप का पानी? इतना मैजिकल था वो। मैं उसके नीचे गया तो हमारे सूज में वो चिपक रहा था पानी। उसके बाद मैंने उसे छुड़ाने की कोशिश की एक डंडे से, क्योंकि हाथ से मैं टच नहीं कर सकता। और शायद हमें लग रहा कि वो मतलब उस पेड़ से पता नहीं किस टाइप का केमिकल है कि पानी है, क्या गिरता है, हमें ये तो नहीं पता है। फिलहाल हम लोग चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं। तो बिल्कुल मतलब दोस्तों, अब तक आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ बता ही रहे हैं, दिखाएंगे कब, तो बिल्कुल अब मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल सामने आने वाला पेड़। तो चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए सामने ये पेड़ है और इसमें की पत्तियाँ झड़ चुकी है और नई पत्तियाँ निकल रही हैं। आइए देखिए नीचे, देखिए और देखिए सूर्य की किरणें, कितना तेज़ धूप हो रखी है, लेकिन फिर भी इसमें से पानी गिर रहा है। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कितना पानी लगा है। अब देखिए पैर में ये जो देखिए चिपक रहा है, अब यहाँ पर देख लीजिए आप ध्यान से कैसे चिपक रहा है। ये देखिए तारकोल से भी ज़्यादा कैसे चिपक गया। सर हाथ से मत टच कीजिए, कोई आपके हाथ में बैड इफेक्ट हुआ तो। हाँ ये तो डंडे ले लीजिए, डंडे ले लेते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा। देख लीजिए, मैं चाहता हूँ आपके हाथ में कुछ ना होने पाए। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ ना सर जी, हाँ, क्यों ना मतलब इसका वाटर हम स्मेल करें, देखिए इसमें से कैसा किस तरह का स्मेल आता है। ठीक है फिर ट्राई करिए आप ये डंडा दीजिए, क्योंकि मैं हाथ से नहीं टच करूँगा ताकि हमें जो कि हो मतलब हमारे लिए कुछ नुकसान ना हो। और यहाँ पे कीड़े भी काफ़ी हैं, और ये इसका कैसा लग रहा है, अजीब इसमें लगता है जी। आप भी वहाँ देखिए, यहाँ गले पर भी पानी गिर रहा है यार, थोड़ा अजीब लग रहा है यहाँ पर। देखिए एकदम गीला हो गया यार, पता नहीं क्या है, अजीब स्मेल है इसकी, स्मेल बहुत अजीब लग रही है, जैसे कोई दवा लग रहा है, पता नहीं। ये देखिए एकदम चिपकदा, मतलब ये जो वाटर है ना एक गाढ़ा होता है, जिसे कहते हैं, अरे क्या कहते हैं, मतलब गाढ़ा जो होता है उस तरीके से। देखिए एक बार हाथ से ट्राई करते हैं, चिपकता भी है, देख लीजिए यहाँ पर ये बहुत गाढ़ा पानी, देखिए बार बार हाथ पे गिर रहा है, ऊपर गिर रहा है। और इसके बारे में देखिए परवेश भाई क्या कहना चाहेंगे? हमें तो लगता है सर ना कि मतलब पेड़ अब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी निकल रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ ऊपर से कितना गिरा, आप जस्ट ऊपर मत देखिए नहीं तो आँख में गिर ना जाए। उसके बाद हमें लगता है शायद ये पेड़ अब डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्योंकि इसमें इतना कीड़े लगे हैं। सर आप थोड़ा आगे आके इसके मतलब ये दिखाइए, इसमें कितने कीड़े लगे हैं। दोस्तों कुछ कीड़े लगे हैं, पता नहीं किस प्रकार के कीड़े हैं, ताकि मतलब देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए यार क्या बात है, एकदम गीला हो गया है, एकदम गाढ़ा, कि पता नहीं कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों इसके बारे में हम लोग रिसर्च करेंगे और आप लोगों को एक पार्ट में और बताएंगे ये आखिर है क्या, और हम लोगों से जानेंगे इसके बारे में, पता करेंगे, तब इसके बाद में दूसरी पार्ट में हम आप लोगों को और बताएंगे। और मैं सोच रहा हूँ सर ना कि क्यों ना हम इसका कुछ पार्ट अपने साथ ले चलें, और मतलब ये अगर हम अपने फॉरेंसिक लैब में इसका रिसर्च करते हैं और रिसर्च के परिणाम जो हमें मिलते हैं वो नेक्स्ट पार्ट में हम जल्दी बताएंगे। तो उसके लिए हम ऐसा कहते हैं कुछ हमारे पास औजार तो अभी लाए नहीं, हम मतलब बगल हमारे दोस्त हैं, मैं चलता हूँ इनके पास कुछ हेल्प लेने के लिए, जैसे कुछ औजार लेता हूँ, उसके बाद इसका यहाँ से कुछ पार्ट निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं इस पर बढ़िया से एक्सपेरिमेंट रिसर्च करूँगा। अगर इसका जो रिस्पॉन्स मिलता है मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूँगा। और इतना ज़्यादा पानी गिर रहा आप देख सकते हैं। और दोस्तों जैसे आप लोग सोच रहे होंगे ये कहाँ है, तो इसका लोकेशन भी आपको जानना ज़रूरी है, तो ये कहाँ है आप बता दीजिए, किस साइड में है, ताकि अगर लोग देखना चाहें तो देख सकें। दोस्तों ये लोकेशन है हमारे गुसाईगंज, दिलासीगंज से गुसाईगंज वाले रास्ते जाने से
इसके पहले एक गांव पड़ता है जो कि ये बेला नाम है गांव का, और मतलब इधर दिखा दीजिए सर, इसका लोकेशन ये है बेला गांव में, मतलब आपको जाने से पहले एक मंदिर मिलेगा, और उधर दिखा दीजिए उस रास्ते को, और ये रास्ता हमारा जाता है गुसाईगंज, और कभी आएंगे तो आप भी मतलब सीधा इसे लाइव देख सकते हैं। फिलहाल हम इसे अपलोडेड में आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं, मतलब ये शायद कैमरे में भी पूरा नहीं आ रहा, क्यों सर ये कैमरे में आ रहा है? कैमरे में बढ़िया, जो गीला है पूरा वो नहीं दिख रहा, ऊपर वाला दिखाइए एकदम जो गीला है, गीला वाला आ रहा है एकदम साफ। और हम लोगों का शूज़ दिखा दीजिए क्या हालत हुआ है, ये देख सकते हैं आप चिपक गए हैं, ये जो पानी बहुत गाढ़ा है यार, देखिए चिपक रहा है ये मतलब वाटर तो नहीं सर जी, हमें लगता है ना कि ये वो है, क्या नाम है, चलिए इसके बारे में हमारे दादाजी हैं, हम उनसे मतलब देर से कुछ कह रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जस्ट इन्हीं के घर के सामने ये पेड़ है, और तो माता जी का स्थान भी है, माता जी का है या माता जी का है। तो दादाजी हमें आप ये बता दीजिए कि मतलब ये जो पेड़ है ये कौन सा पेड़ है, और मतलब इससे कुछ मतलब फ़ायदा होता है या नहीं? देखिए भैया, ये जंगली सेमर हम लोग इसको कहते हैं। अच्छा, जिससे रुई निकलती है जी, जंगली सेमर है ये। फायदा तो इससे यही है कि इसमें से रुई निकलती है, रुई निकलती है फर्स्ट क्लास। अच्छा। इसका तक मतलब इसमें से पानी अभी निकलना स्टार्ट हुआ या फिर बस अब 21 साल निकलना स्टार्ट हुआ जो है, ज्यादा ज्यादा 1 महीने 1.5 महीने हुए। और इसके पहले कभी नहीं निकलता? कभी नहीं। तो ये हानिकारक तो नहीं, इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा? अब देखिए हम लोगों को देखने में तो कोई चीज हान मतलब नहीं पहुंचा रहा नुकसान जो है। हाँ। लेकिन उस सड़क पर देख रहे हैं जैसे तारकुल जैसा लग रहा है, चिपकता है। हाँ, बहुत। अगर गाड़ी वगैरह जाते तो बस फिसल जाता है जो है। अच्छा। हाँ, तो यही नुकसान समझिए चाहे फायदा समझिए उसका, लेकिन ये है क्या चीज, कैसे गिर रहा है इसको तो हम लोग नहीं बता सकते हैं भाई। मतलब इसमें से रुई निकलता है? रुई निकलता। हाँ, तो रुई का प्रयोग जैसे किया जाता है, तकिए में डालिए जो है, रजाई बनवाइए बढ़िया फर्स्ट क्लास जो है। हाँ, उसमें कोई नहीं, बहुत मुलायम रुई होती है उसकी जो है। दादाजी हम लोग सोच रहे हैं कि ये पेड़ पे कोई बैड इफेक्ट ना जाए, ये पेड़ सूख तो नहीं सकता, या फिर अगर ये सूख सकता है मतलब तो जो पानी गिर रहा है सूख सकता बिल्कुल, है ना? इसी के बगल में देखिए दूसरा पौधा जो है वो भी इसी के साथ का है जो है, लेकिन उससे पानी नहीं, उसमें पानी नहीं गिर रहा है, उसमें निकल रहा है, डाल टहनियाँ देख रहे हैं जो हरी हरी, इतना छायादार पेड़ है ये, क्या बताओ जो बढ़िया फर्स्ट क्लास है, उसके शाखा देख रहे हैं एक दूसरे के आसपास से कैसे निकल रहा है, देखने में तो इतना बढ़िया खूबसूरत लगता है, क्या बताऊं जो है। मतलब इसमें जो भी पत्तियां नहीं निकली, क्या निकलती हैं इसमें पत्तियां? अब देखिए पत्ते निकल रहे हैं, उसका सीजन हो गया है, इसमें सब वो फरने वाला आ गया है ना। हाँ हाँ। वो फूल टाइप का लगा हुआ उसमें जो है, लेकिन अभी सूख रहा है। अच्छा। उसमें फूल लगा हुआ देखिए, वहाँ पे पत्ती निकल रही है, पत्ती जो फल लगेगा उसमें इतना बड़ा बड़ा जैसे ननुआ होता है। हाँ। उसी प्रकार से होता है, बाद में वो सूख करके जो फूट जाता है तो उसमें सुरुई निकलती है जो है। तो दादाजी ये बता दीजिए एक बात हमारा और है, एक क्वेश्चन कि इसमें से एक बार में कितना रुई निकल जाता है, जैसे एक सीजन में कितना रुई दे देता है? अब देखिए जैसे बड़ा पेड़ है पूरा, एक रजाई भर को रुई निकलेगा इसमें, लेकिन उसको फल तोड़ना पड़ेगा भैया। अच्छा, फल तोड़ करके पूरा फल तोड़े। हाँ, तो एक रजाई भर, एक रजाई ज्यादा निकलेगा जो है। तो कम से कम ये समझिए इतने बड़े पेड़ में 10 किलो रुई निकलेगी अगर सारा इकट्ठा कर दिया जाए फल, तो 10 किलो 10 किलो। तो शायद ये कपास का पेड़ है हमें लग रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ कपास का पेड़ इतना बड़ा से हमने देखा नहीं पहले, इतना बड़ा करीब होता है नीचे। अब ये हम लोग तो भाई उसको सेमर ही कहेंगे, क्योंकि सेमर जैसा पहले था, या पत्ती उसका सेमर जैसे ही होता है मतलब, लेकिन जो जंगली सेमर है कुछ वो है, और देहात में जो होता है जिसमें कांटे होते हैं। हाँ। वो उस प्रकार से नहीं है। लगा भी जो तो बताया उसने जो है जंगल, वो लगाने वाले जो हैं वन विभाग वाले बताइए, सेमर का वृक्ष है, आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। तो दादाजी आपके पास कुछ औजार होगा जैसे खुरपा, क्योंकि हम उसका कुछ पार्ट मतलब साथ में? हाँ, वहाँ मिलेगा भैया, मशीन पे मिलेगा, यहाँ तो हमारे पास थोड़ी रखे हैं यहाँ पे जो है। ठीक है दादाजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप मतलब इतना टाइम दिए और इसके पेड़ के बारे में आपने हमें डिटेल बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दादा को। तो देखिए दोस्तों, पास में ही एक गन्ने की मशीन है, जिसे क्या बोलते हैं, कोल्हू, गन्ने का कोल्हू है, जहाँ से शरबत निकाला, सॉरी रस निकाला जाता है गन्ने का रस, ठीक है। तो वहाँ से परवेश भाई हमारे गए हैं खुरपा लेने, ताकि क्या है कि उस पेड़ का कुछ मतलब कुछ पार्ट हम लोग निकाल के उसको ले जाए और उस पर रिसर्च कर सके किसी लेबोरेटरी में, ताकि हमें पता चल सके कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। जैसा कि दादा ने बताया इसमें से पानी निकल रहा है, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। बगल में ही दूसरा पेड़ है, जस्ट अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो वाला पेड़, उसमें से पानी नहीं निकल रहा और उसमें से क्या है पत्तियां निकल गई हैं इस बार भी, लेकिन उसी के जस्ट बगल वाला पेड़ पता नहीं क्या है, ठीक है। तो उस पर हम रिसर्च करेंगे, खुरपा लेके आ रहे हैं हमारे प्रवेश भाई। तो देखिए दोस्तों, हमें हसिया मिल चुका है आंटी जी से, और अब हम लोग चलते हैं उसका थोड़ा सा एक पार्ट। नहीं नहीं ठीक है आंटी, कोई बात नहीं, दरअसल क्या है ना, हमें थोड़ा काटना, पूरा पेड़ बस थोड़ा सा चेक कर लेंगे।
हाँ ये तो बात सही है आंटी आपकी, और मेहरबानी आपकी जो आपने हमारा मतलब सुना और आपने हमें इतना सहयोग दिया। ठीक है आंटी, हम लोग 2 मिनट के अंदर आपको मतलब ये रिटर्न करने आ रहे हैं। अरे ठीक है आंटी, कोई बात नहीं, हम लोग मतलब यहाँ पे रहे। तो आइए दोस्तों, अब हमें हसिया मिल चुका है, चलिए उसको काट कर थोड़ा सा पार्ट ले चलेंगे। तो ये रहा हमारा पेड़, और देखिए अभी भी बहुत सारा पानी यहाँ पर गिरा हुआ है इसी पेड़ से, और अभी प्रवेश भाई इसका एक पार्ट काट रहे हैं, इधर से काटने के लिए क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गीला है, और हमें जो मेन वो मिलेगा रिस्पांस बिल्कुल यहाँ से मिलेगा। तो सर ये पॉलीथीन आप पकड़िए, बिल्कुल देखिए जहाँ से हम लोग काट रहे हैं, दिखा दीजिए बिल्कुल पास में आके दिखाइए, देखिए कितना गीला है, पेड़ बिल्कुल हरा है सर जी। हाँ पेड़ बिल्कुल हरा है, और ये समझ में नहीं आ रहा इसमें मतलब कीड़े भी लगे हुए हैं, कौन सी कीड़े हैं और पानी क्यों गिर रहा है, ये सब हम पता करेंगे लेबोरेटरी में जाके इसका ये पार्ट ले जाकर। ठीक है, हमारे पास बढ़िया लाइब्रेरी है सर, हम वहाँ पे मतलब चेक करेंगे बिल्कुल। काटने लगेगा तो मतलब बढ़िया नहीं, आप पूरा वीडियो बनाइए और यहाँ पे फास्ट मोशन करके दूसरा म्यूजिक लगा दीजिएगा। देखिए कीड़े भी यहाँ पर चिपटे हुए हैं, कहीं कीड़े काट तो नहीं लेंगे? नहीं यार काटेंगे कैसे सर जी, काटने वाले कीड़े तो नहीं लग रहे हैं वैसे, और हमें ऐसा औजार मिल गया जिससे बढ़िया से नहीं कट रहा फिलहाल। और पेड़ देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी जानवर को काटा जाए तो अंदर से खून निकलता है ऐसे। पेड़ के अंदर देखिए लाल लाल आपको दिख रहा होगा, और बिल्कुल गीला है अंदर से भी, बिल्कुल हरा और गीला, ऐसा नहीं सूख गया, लेकिन ऊपर देखिए मुझे लगता है कि इसमें जैसे कोई रोग लगा हुआ है। पॉलीथीन दीजिए, लीजिए इस पॉलीथीन में रखिए आप इसको, और ये परवेश भाई ने इसका एक बड़ा सा पार्ट काट लिया है और इसको रख रहे हैं हम लोग पॉलीथीन में। काफ़ी मेहनत लग रही है दोस्तों एक लाइक तो बनता है यार, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक नहीं मतलब करोगे मज़ा नहीं आएगा। अगर हो सकेगा तो इसे ठीक करने की भी कोशिश करेंगे, अगर ये मतलब अच्छा हो गया स्वस्थ हो गया तो बढ़िया है, क्योंकि बिल्कुल गाइज आप भी आपके यहाँ जितने पेड़ हो आप भी जहाँ तक कोशिश कीजिए कि उन्हें बचाने की कोशिश कीजिए और उन्हें काटने से रोकिए, और आप भी उन्हें बताइए कि पेड़ काटना हमारे लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें से हमें मिला जो ऑक्सीजन होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारी सेहत के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऑक्सीजन नहीं तो हम हैं, हम हैं तो पेड़ है, ऑक्सीजन नहीं तो धरती नहीं, यानी पेड़ नहीं तो धरती नहीं। तो हमने बहुत सारा पार्ट काट लिया है, और सर कितना पानी गिर रहा है देखिए, हमारा हाथ गीला हो रहा है, और पानी से देखिए हाथ गीला हो रहा है प्रवेश भाई का, और ऐसा ना हो कि 2-4 कीड़ों को भी इसमें रख लें, कीड़ों पर भी रिसर्च किया जाएगा ये कीड़े कैसे कीड़े? हैं हाँ कीड़े इसको सर मर जाएंगे ना, जिंदा नहीं रहेंगे, कोई बात नहीं उनकी बॉडी तो रहेगी। चलिए ठीक है, हम मैं इसका काटने के बाद कीड़ों को भी रख लेता हूँ। हाँ हसिए के सहारे 2-4 कीड़े भी इसमें रख लेते हैं, और सर कहीं ऐसा नहीं कि कीड़े मतलब सारा ये खा ले, हमें दोबारा आना पड़े मतलब लेने के लिए जो हम काट रहे हैं ये कीड़े अगर सब खा लिए तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये हम लोग हमारी निगरानी में रहेंगे ना, अगर खाते रहेंगे तो उनको अलग कर देंगे। हाँ, और उन्हें दूसरा कुछ दे देंगे खाने के लिए। हाँ ऐसा मत खाइए। तो बहुत सारा पार्ट हमने काट लिया है, इतने से हम सब कर लेंगे काफ़ी। हाँ बिल्कुल, तो गाइस फाइनली हमने काट लिया है इसका ये पार्ट, और हम चलते हैं अपने लाइब्रेरी की तरफ, और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द मिलेगा, फिलहाल आप इसे देखिए और इससे मिला हुआ रिजल्ट आप सबके सामने होगा, आप भी देखिएगा, और फिलहाल मैं अपने लाइब्रेरी जा रहा हूँ, इस पर रिसर्च करूँगा, क्योंकि इसमें शायद थोड़ा टाइम भी लग सकता है, 1-2 दिन 3-4 दिन बिल्कुल, क्योंकि आप जानते हैं कि रिसर्च किसी मतलब किसी चीज़ में रिसर्च करने पे हमें ज़्यादा टाइम लगता है। बिल्कुल सही बात, तो चलिए हम इसे वहाँ पे दे देते हैं। परवेश भाई आप हसिया दे के आइए। हाँ, और ये जो दूसरा पेड़ है मैं व्यूवर्स को ये भी दिखा देता हूँ कि ये अभी कितना हरा भरा है। हाँ, जैसे बिल्कुल यही सेम पेड़ है, यही वाला सर जी। हाँ आइए हम इसको पेड़ भी दिखा देते हैं जिसे सेमर का पेड़ बोलते हैं। आइए, काफ़ी दिक्कत हो रही है दोस्तों, देखिए कितना चिपक चुका है देखिए। आइए ये दूसरा वाला पेड़ देख लीजिए ऊपर, अभी हम लोगों को देखिए कितना चिपक चुका है, ये सब उसी पानी का असर है दोस्तों, जो केमिकल जो तरल पदार्थ उस पेड़ से गिर रहा है। और ये पेड़ देखिए ये सेमर का पेड़ है, बिल्कुल वही पेड़ है, और इस पेड़ में देखिए नई नई पत्तियां निकल रही हैं, आप
अभी नीचे वाले पार्ट में, नीचे वाले हिस्से में नहीं निकली नई पत्तियाँ, लेकिन ऊपर वाले हिस्से में देखिए आपको हरी हरी पत्तियाँ नज़र आ रही होंगी। और ये पेड़ देखिए बिल्कुल सूखा है, इसमें से बिल्कुल पानी नहीं निकल रहा है। और जैसा कि हमें दादाजी ने बताया, जो कि उस मंदिर के पुजारी बाबा हैं, और उन्होंने बताया कि ये दोनों पेड़ बिल्कुल साथ की हैं, यानी साथ साथ इनमें फल लगता है रुई का, और साथ साथ इनमें से पत्तियाँ गिरती हैं। लेकिन इस साल क्या हुआ कि इस पेड़ में तो पत्तियाँ निकल रही हैं पत्तियाँ झड़ने के बाद, लेकिन उस पेड़ से ये तरल पदार्थ कैसा है, तो सब कुछ आपको एक्सपेरिमेंट के बाद पता चलेगा अगले पार्ट में। तो दोस्तों ये वीडियो हम लोग यहीं पर क्लोज़ करते हैं। प्रवेश भाई ने ये इसका थोड़ा सा पार्ट ले लिया है, इसका नमूना ले लिया है, और इस पर एक्सपेरिमेंट होगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे कि एक्चुअली ये है क्या, क्या कोई बीमारी है या फिर कुछ और है जिसकी वजह से इसमें पानी गिर रहा है, और या फिर कोई रोग है क्या है, जो भी है अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये सर जाएगा फॉरेंसिक लैब, फॉरेंसिक लैब में हमारे पास कई मशीनें हैं बढ़िया बढ़िया से बढ़िया। अच्छा, और मैं वहाँ पर रिसर्च करूँगा और इसका जो रिज़ल्ट होगा आप सबके सामने होगा बिल्कुल अगले पार्ट में। ठीक है, इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देना यार, और हाँ चैनल पर आप नए हैं तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।